नमस्कार दोस्तों, अनुपम मित्तल जो कि भारत के एक मशहूर एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि शादी.com के फाउंडर और सीईओ हैं, और इनको हम सभी जानते हैं शार्क टैंक इंडिया शो के जरिए। उन्होंने नेपाल क्रिकेट टीम के यंग प्लेयर ललित राजवंशी की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है, और ये उनका अफेक्शन और प्यार नेपाल के उस क्रिकेट प्लेयर के लिए दिखाई दिया। दोस्तों बात यह है कि दरअसल हाल में ही नेपाली क्रिकेटर ललित राजवंशी का इंटरव्यू भी देखने को मिला, और तब उन्होंने बताया कि उनके पास नेट प्रैक्टिस के लिए बैट है, यानी कि बल्ला है, पर इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने के लिए कोई सूटेबल बैट नहीं है। उन्होंने बताया कि वो अपने टीम मेट के बैट से मैच में उतरते हैं, और मोस्टली वो कुशल बुरतेल के बैट से खेलते हैं। फिर इसको लेकर एक ट्वीट ICC एशिया क्रिकेट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर देखने को मिला, और जैसे ये ट्वीट अनुपम मित्तल के पास पहुंचा, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि हम कैसे ललित राजवंशी से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको किट में मदद कर सकते हैं। ये चीज कई सारे लोगों को अच्छी लगी, जो कि नेपाल और भारत के लोगों के बीच में कनेक्शन और प्यार को दिखाती है। आपको इस पर क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन इसको लेकर कई सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज भी किया, जैसे कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने इसको एक पब्लिसिटी स्टैंड भी बताया और बोला कि आप क्वाइटली भी हेल्प कर सकते थे। लेकिन उनका जवाब अनुपम मित्तल ने भी दिया कि व्हाई क्वाइटली, वी नीड मोर पीपल टू कम फॉरवर्ड टू हेल्प। साथ साथ कमेंट बॉक्स में कई सारे लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया, जैसे कि अमित मिश्रा ने लिखा, योर इनिशिएटिव टू असिस्ट ललित राजवंशी इज नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट, इट्स अबाउट नरिशिंग टैलेंट एंड फॉस्टरिंग ए ब्राइट फ्यूचर फॉर नेपाली स्पोर्ट्स, टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। और ऐसे ही कई सारे लोगों ने उनको अप्रिशिएट भी किया। दोस्तों इस चीज से ये तो पता चलता है कि काफी कम रिसोर्सेज में नेपाली क्रिकेट टीम काफी बेहतर प्रदर्शन कर रही है, और अगर उनको अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं तो कहीं ना कहीं इस टीम के जो टैलेंट है उसमें काफी ज्यादा और निखार आएगा। साथ ही नेपाली क्रिकेटर्स के एफर्ट्स के लिए उनको सैल्यूट तो बनता है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखेगा नेपाली क्रिकेटर्स के लिए, जो कि कम रिसोर्सेज में भी नेपाल का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही आपको क्या अनुपम मित्तल की हेल्प सही लगती है या फिर गलत लगती है? क्या एक जेन्युइन मदद है जो कि स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए, या फिर ये एक पब्लिसिटी स्टंट है? अपनी राय जरूर बताइएगा।